हेलो गाइस, थैंक यू सो मच कॉनी वीडियो लेके। तो गाइस आज मैं जा रहा हूं पोचिंग की एक बार और, क्योंकि यहां पे होता भाई टोर्नेडो और यहां पे बहुत सारे बंदे आने वाले और इस वाले गेम में मेरे 24 किल्स हैं, तो मजा आएगा आपको देख के। और आसमान में आपने देख लो भाई कितने सारे पैराशूट्स हैं। तो यहां पे गाइस लैंडिंग करता हूं फटाफट और प्लेन पाद ना दूर था पोचिंग की से जब ही हाल है। और हां गाइस, मेरे सेकंड वाले चैनल पे GTA 5 की नई वीडियो आ चुकी है जिसमें कि भाई जिमी को किडनैप कर लिया गया था, वो भी एक गैंगस्टर ने। तो कैसे मैं बस उस सिचुएशन को हैंडल करता हूं, बहुत ही तगड़ी वीडियो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। तो यहां पे गाइस एक बंदे के फुटस्टेप्स आए, नेड फेंका, घुस जाता हूं बंदे को, यहां पे नॉक करता हूं मैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, एक बोट को निपटाता हूँ, फिर जाता हूँ सीधा यहाँ पे। सामने बंदा देखा है, सब पूरा खत्म करा मैंने। एक बंदा यहाँ पे, इसको भी नोक करा, फिर इसका टीममेट आता है। और एक बंदा बाहर की तरफ है तो उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस मेरे को फुटस्टेप्स आए इस वाली झोपड़ी से, मैं नेड फेंकता हूँ, ठीक है। कोई कैसे नहीं मरा यार, मतलब क्यों नहीं मरा कोई, क्योंकि अभी देखो क्या होगा। अंदर ये दो भटूरे बैठे थे मतलब, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा भाई नेड से। लेकिन यहाँ पे इनको खत्म कर देता हूँ, फिर मैं आके यहाँ पे लूट करता हूँ थोड़ी बहुत, और इस वाले बंदे से क्या ही अटैचमेंट मिले। फिर यहाँ पे गाइस मजे में लूट कर रहा था और साइड से भाई कोई फायरिंग करने लगता है। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि सारे BGMI लवर्स वेट कर रहे हैं पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल टूर्नामेंट का, जहां टॉप टीम्स 18 देशों से इंक्लूडिंग इंडिया पार्ट लेंगी, जिसका प्राइस फंड होगा $2 million पहले वीक के लिए और $1 million और सेकंड वीक के लिए। क्या तुम सोच सकते हो? तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए, कोई भी मैच मैं मिस नहीं करने वाला। और मैं क्या यार, मतलब कोई भी इसका रिजल्ट मिस नहीं करना चाहेगा कि भाई कौन जीतेगा, देखना चाहेंगे सब। और गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ई-स्पोर्ट्स मैन नहीं जीत सकते पैसे टूर्नामेंट में, हां गाइस मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की प्रेडिक्शन के ऊपर। बस आपको प्रेडिक्ट करने हैं अपकमिंग मैच के रिजल्ट्स, आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है स्पोर्ट में प्रॉफिट आने के लिए। ये बहुत ही फास्ट और इजी है, बस कुछ क्लिक करने हैं और तुम भी गेम में हो। तो गाइस परी मैच की मेरे को एक बात सबसे अच्छी लगती है कि इसमें बहुत लो मिनिमम डिपॉजिट है, अमेजिंग और फास्ट 24/7 कस्टमर सर्विस और 100 तरीके हैं बहुत ही जल्दी डिपॉजिट और विड्रॉ करने के, यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी भी अवेलेबल है। और गाइस मेरी तरफ से एक सीक्रेट लाइफ हैक, परी मैच में आपको स्पेशल बोनस मिलेगा ₹20,000 तक का सारे नए यूजर्स के लिए। तो गाइस लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर करो मेरी स्पेशल लिंक से और 150% का डिपॉजिट बोनस पाओ। तो गाइस यही टाइम अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने का, सो ज्वाइन करो परी मैच, खेलो और अपना प्रॉफिट पाओ। और देख रहा भाई क्या ही प्रीफायर दी थी मैंने दूसरे वाली खिड़की में, मतलब बंदा वहां पे था भी नहीं, मैंने फायरिंग चालू कर दी थी, बंदा आया और मर गया, क्योंकि मेरे को पता था वो यहां पे आने वाला है। तो अब इस वाले बंदे को भी खत्म करता हूं, फिर गाइस और बंदों को देखते हैं। फिर यहाँ पे साइड से फिर से पड़ते हैं फायरिंग भाई, एक तो फोर ड्रॉप पे यही हो रहा है आजकल, कोई साइड वाइड से लपेटे जा रहा है, मतलब फेस टू फेस फाइट में इतने नहीं मरते ना, साइड या पीछे पीछे से मार देता है कोई। अब यहाँ पे ऊपर से एक बंदे का फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो यहाँ पे एक मोली फेंकता हूँ। और मोली अपना काम करती है और फिर आके मैं लपेट देता हूँ जो थोड़ी बहुत हेल्थ बचती है इसकी। फिर यहाँ पे गाइस हीलिंग मारता हूँ, फुटस्टेप्स आए, यहाँ पे इस वाले बंदे को मैंने खत्म करा, सामने से फुटस्टेप्स आ रहे थे, इसके और टीममेट्स भी हैं। और यहाँ पे गाइस अब टीममेट है तो मेरे को पता था वो क्या करने वाले हैं, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि नेड आएगा, नेड आता है, लेकिन मैं इतनी दूर था नेड से, फिर भी मेरे को डैमेज सा पड़ गया। मैंने इसलिए पेटी नहीं लूटी थी, मेरे को पता था भाई नेड तो आने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस फिर से टीममेट आता है, अब यहाँ पे इधर छुप चुका है और सामने बंदे, तो देखे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी खत्म कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे गाइस एक बंदे के सामने से फुटस्टेप्स आए, जो कि नेट वेड़ी फेंक रहा था भाई। इसको डैमेज दिया, फिर पीछे की तरफ भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे ऊपर रश मारेगा। और यहाँ पे इसको क्या ही पेला भाई, इन बिचारों का रस तो पूरा फेल हो गया था भाई, इन्होंने सोचा था कि चले यार मतलब मारते हैं यार कौन है ना, लेकिन दिक्कत हो गई। फिर यार एक बंदे के फुटस्टेप्स आए थे यहाँ से, अब ये लेफ्ट राइट करता भाई बहुत ज्यादा। लेकिन फाइनली इसको भी खत्म कर देता हूँ।
अब यहाँ पे गाइस जो साइड में ब्लू घर है ना वहां से फायरिंग आई थी तो मैं देख रहा था और भाई इतने में ये बंदा दिख जाता है मेरे को जो उधर की तरफ भाग के जा रहा है। उसको डैमेज दिया और नोक भी कर देता हूं। फिर यहां पे गाइस सामने फायरिंग चल रही थी तो भाई घुस जाता हूं जल्दी से। एक मोली फेंकता हूँ यहाँ पे लेकिन भाई पीछे कोई डीपी लेकर बैठा है। मैं कह रहा था ना गाइस पीछे और साइड से निपटते हैं ज्यादातर, फेस टू फेस फाइट में इतना नहीं होती दिक्कत। तो यहाँ पे गाइस पहले स्मोक करता हूँ क्योंकि सामने भी बंदा था, अभी तो उसकी फाइट हुई थी, हीलिंग वगैरह कर रहा होगा इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मेरे को लपेटता वो। फिर यहाँ पे गाइस स्मोक करके निकल लेता हूँ और ऊपर रश मारता हूँ। बंदे कहा चुके थे मेरे को फुटस्टेप्स के कहां पे है। यहां पे गाइस वाले बंदे को खत्म कर देता हूं, फिर गाइस थोड़ी बहुत लूट करता हूं। अब यहां पे गाइस एक बंदा भाग के आता है और नीचे आ चुका था घर में, तो मैं अभी जाता हूं और बंदे को खत्म कर देता हूं। फिर यहां पे गाइस एक बंदे के फुटस्टेप्स आके झोपड़ी के पीछे मैं नेट फेंकता हूं। नेट से तो कुछ होता नहीं है लेकिन फुटस्टेप्स आता है, बंदा भागने लगा था। बंदे को खत्म कर देता हूं इसे भी। फिर यहां पे गाइस सामने जब फायरिंग चल रही थी स्कोड हाउस के पास तो वहां पे चलता हूं, तो इसलिए मैं गाड़ी उठा के वहां पे जाने की सोचता था लेकिन कहीं से फुटस्टेप्स आ रहे थे और यहां मैं समझ नहीं पाया कि फुटस्टेप्स आए कहां से। फुटस्टेप्स आए थे उस वाले घर से। तो यहां पे गाइस मैं सोचता हूं एक नेट फेंक दूं लेकिन भाई बंदा भी नेट कुक कर रहा था, तो वहां से निकलता हूं मैं फटाफट। बंदा नेट फेंक चुका था, फिर यहां पे गाइस इधर से एंगल लेने की सोचा था और जहाँ पे गाइस बंदे को नोक करता हूँ, फिर जाता हूँ सीधा गाड़ी के पास कि भाई गाड़ी उठा के स्कोड हाउस में रश मारूंगा। लेकिन सामने से आते फुटस्टेप्स तो इस बार बंदे को भी खत्म करता हूँ। वो जो पहले मैंने नोक करा था जो घर में से कूद रहा था उसका मेरे को किल मिल जाता है। फिर यहाँ पे गाइस मैं इधर की तरफ आ चुका था स्कोड हाउस की तरफ और यहाँ पे इस वाले घर में बंदे बस देखो कैसे लपेटता हूँ इन्हें। एक बंदा नीचे आता है, यहां पे बहुत लेफ्ट राइट खेलते हैं हम। लेकिन इस वाले बंदे को मैं नोक कर देता हूं फिनिश भी और ऊपर इसके टीममेट है पारी उनके थे। फिर तो यहां पे एक नेट फेंकता हूं बहुत ही तकड़ा, बंदा होता है नोक और फिर घुस जाता हूं मैं और यार इस वाले को भी खत्म कर देते। भाई क्या ही क्लस था, मतलब यहाँ पे तीनों बंदे कैसे लपेटे, मतलब ये बिल्कुल जम के बैठ गए थे कैंपर थे लेकिन फिर भी लपेट दिया। फिर यहाँ पे गए सामने बंदे थे, यहाँ पे एक को नोक करता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, रश मार देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जोन आ चुके थे। मैं सोच रहा था भाई इन्हें निपटा के मतलब जोन में चलते हैं लेकिन यहाँ पे पीछे एक स्कोड आ जाती है। भाई ये क्यों आई, मतलब थोड़ी देर बाद आ जाती भाई। यहाँ पे कैसे गलती कर देता हूं मैं कि बंदा प्री फायर दे रहा था और मैं उसके सामने आ गया और फिर पीछे से ये आ जाता है। इसका भी मेरे को आइडिया नहीं था भाई ये भी है। तो गाइस आज वाली वीडियो मगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल पे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस और आगे इस पर मैच को चेकआउट करने लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में।